इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हाई कोर्ट के एक जज देवराहा बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे। अक्सर उनका दर्शन करने आया करते थे और बाबा के साथ घंटों बैठकर बातचीत किया करते थे। बाबा भी उन्हें मानते थे, पर जज साहब की एक समस्या थी कि उनकी एक बेटी थी, वह एक पैर से अपंग थी और लंगड़ा कर चलती थी। शुरू में तो जज साहब को विशेष परेशानी नहीं हुई, न चिंता हुई, पर जैसे जैसे लड़की बढ़ती गई और शादी के योग्य होने लगी तो उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी और एक पिता की तरह वो हमेशा चिंतित रहने लगे कि आखिर कौन करेगा मेरी लंगड़ी लड़की से शादी। ये चिंता उन्हें खाए जाए रही थी। और जब देवराहा बाबा का दर्शन करने जाने लगे तो साथ में अपने बेटी को भी अपने कार में बैठा कर ले गए और देवराहा बाबा के सामने जब गए तो बाबा मचान पर बैठे हुए पूछा, बच्चा क्या हाल है? और इतना कहना ही था कि जज साहब फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोने लगे, उनकी आँखों से आंसुओं की धार टूटती ही नहीं थी। बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुख का कारण बताओ, क्या बात है? तब सुबकते हुए जज साहब ने कहा, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए बाबा, मेरी लंगड़ी लड़की से शादी कौन करेगा? और एक पिता के नाते मैं इसी चिंता में परेशान हूँ। तो बाबा ने बच्ची को पास बुलाया और बोला, बेटी मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा तो तुम ले लोगी ना, उठा लोगी? बच्ची ने स्वीकार करते हुए हाँ कहा। बाबा ने और ये कहा कि और अगर ज़्यादा प्रसाद दूँ तो ले लोगी? तो उस बच्ची ने कहा, हाँ बाबा ले लूँगी। अब बाबा ने कहा कि देखो मैं प्रसाद देता हूँ, उसको लो। अब वो लड़की बैसाखी के सहारे चलती थी, बैसाखी लगा के तब डोलती थी। बाबा ने ऊपर से एक फल फेंका और बच्ची बैसाखी के सहारे जा करके उसको उठा करके एक जगह रखना चाहा, तब तक दूसरा फल बाबा ने फेंक दिया। वह उसे उठाने के लिए जल्दी गई पर बाबा ने कहा, अरे बेटी थोड़ा जल्दी जल्दी जाओ। और तब तक तीसरा फल फेंक दिया, चौथा फेंक दिया, पांचवा फेंक दिया और बाबा उसे प्रेरित करते रहे कि बेटी जल्दी करो, फल उठाओ, फल तुम्हारी राह देख रहा है, उठाओ जल्दी। वह एक नहीं उठाती थी तब तक बाबा फेंकते जा रहे थे फल। और इस आधा पौना घंटा का खेल बराबर चलता रहा। बहुत सारा फल बाबा ने ऊपर से गिराया और इसमें उस बच्ची को जल्दबाजी में या बाबा की करामात से जो चमत्कार हुआ कि उसकी बैसाखी कहाँ छूट गई उसे पता नहीं, और अपने पैरों पर दौड़ दौड़ कर वह फल इकट्ठा करने लगी और इकट्ठा करके फल सारा ले आ करके एक जगह रखा। और तब बाबा ने कहा, बस करो बेटी, हो गया। और तब कहा, तुम्हारी बैसाखी कहाँ है? तो वह ये समझ ही नहीं पाई, भूल ही गई थी कि मैं बैसाखी से चलती हूँ। दूर पड़ी बैसाखी को उठाने के लिए वह जाने लगी। बाबा ने कहा, हो गया, बस अब तुम्हारे पैर ही तुम्हारी बैसाखी हैं, उसकी अब कोई ज़रूरत ज़िंदगी में तुम्हें नहीं पड़ेगी। मित्रों, जनता यह देख करके दंग रह गई। असंभव को संभव करके दिखा दिया था बाबा ने। जो लड़की अपंग थी और बैसाखी के सहारे चलती थी, वो अपने दोनों पैरों से खूब डोल करके चल करके चलत रही थी, दौड़ रही थी। और इधर जज साहब के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बाबा का बहुत आभार
किया और उन्हें प्रणाम निवेदन किया। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया बाबा के प्रति और ज़्यादा। मित्रों, ऐसी ही अनेक चमत्कारी घटनाएं बाबा की चलती रहती हैं और जो भी भक्त उनके पास जाता है उसकी समस्या वो करुणामय संत अवश्य करते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसी बाबा की चमत्कारी घटनाएं जाननी हो, सुननी हो, अथवा संतों की चमत्कारपूर्ण साधनाएं जाननी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।